ये चीज ये अपनी जगह पर बैठ गया है, बिल्कुल बराबर। देखा है, यहां से इसको पकड़ा जाता है, ये फिट बैठा है। अभी इसकी दूसरी पिन भी लगा दें या अभी ना लगाएं? चेक करने में से दूसरी पिन गई किधर है जो निकाली अभी? इनमें से मोटी पिन क्या कौन सी है? मोटी पिन ये वाली, ये पीछे रहेगी। ये छोटी पिन है, ये आगे लगेगी। ये जगह पर बैठ गई। आरजी तौर पे बैरल लगाते हैं, कोई इसकी वो पिने लगाए बगैर चेक करने के लिए। पेपर ले आए थे बेटा, उसकी हमने एक सील बनानी है इसको लगाने के लिए। अभी चेक करते हैं इसको, पीछे ऐसे खाली। ठीक है, ठीक काम कर रहा है। अब बैरल भी तकरीबन सीधी है, नहीं इसका रिंग डलेगा तो तब जाकर मज़ीद सीधी हो जाएगी। और ट्राइगर इसका, ट्रैगर स्प्रिंग, ठीक है। अभी देख रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, बैरल जहां पे रुकी हुई है, अगर वो हम सील जोन नहीं रखते तो ये नीचे चली जाएगी और पैलेट डालना मुश्किल हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये चीज मैं कह रहा था कि अगर वो दो इस तरह की हम इसके पीछे वाशर नहीं रखते, ये नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि ये साथ। अब उसके लिए हमने क्या सोचा है कि नेक्स्ट एक चीज़ है जो बनाने लगे हैं हम, वो आप अमेज़ोन पर भी चेक कर सकते हैं जो ओरिजिनल तरीका है उसका, लेकिन उस तरह की हम खुद बनाने लगे हैं, वो बनाकर इसमें डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, शिकारी भाई मोहम्मद रिजवान की जो चीज़ें हैं वो तकरीबन तैयार हो गई हैं, पॉलिश भी हो गई है और चीज़ें बना भी दी हैं। यहाँ देखें, इसके जो स्क्रू लगाने की जगह थी, यहाँ नई चूड़ियाँ निकाल कर उनको सेट कर दिया गया है। वहाँ ये सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, अपनी जगहों पर जो बैठ जाएगी, इसको स्क्रू लग जाएंगे, पहले नहीं लगते थे, क्लिप लगा हुआ था। अच्छा, बाकी रहा ये इसका मेन सील का मसला। मेन सील जो है इसकी पहले कौन सी लगती थी, लेदर वाली, अब हमने चेंज करके लगानी है ये वाली प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की सील लगाने के लिए मैंने रब्ता किया था, ये देखें, ये चीज मैंने रब्ता किया था कहाँ, इटली एक दोस्त होते हैं उनके साथ, मलिक साहब ने बताया कि वहां से ये चीज हमें मिल रही है, लेकिन बहुत महंगी मिल रही थी। ये मिल रही थी कितने की? 19 यूरो की। 19 यूरो से मुराद ये पाकिस्तान में ये कमोबेश 4500 रुपए जा बनते हैं, 19 यूरो के, क्योंकि हाँ 4500 रुपए तकरीबन। तो मैंने कोशिश की है कि खुद तैयार की जाए, जर्मनी वालों की बजाय हम खुद बना लें। हमने ये बनाया है और बनाने के बाद जो रिजल्ट है वो मुझे हासिल नहीं हो रहा था। कौन सा रिजल्ट? कि इसमें से हवा लीक होने का अंदेशा था, हो नहीं रही थी, अंदेशा था कि लीक होगी। तो फिर क्या किया है मैंने कि इसके पीछे आप देख रहे हैं ये
यहाँ पे केमो की टेप लगा दी है। टेप लगाने के बाद, मुकम्मल तौर पर लगाने के बाद, उसके सेंटर में हल्का सा स्क्रू के साथ सुराख किया है और वहाँ मैंने क्या किया है, उसकी जगह ये स्क्रू लगा दिया है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, आप देख रहे हैं, ये नज़र आएगा आपको गोल, ये एक रिंग बन गया है। इसके गिर्द एक रिंग यहाँ बन गया है। ये दो रिंग हैं जो इसकी, अगर खुदा न खास्ता इधर से हवा कोई थोड़ी बहुत जाती है तो उसको नहीं जाने देंगे, वो सील कर देंगे। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है। अब इसको लगाते हैं इसके ऊपर, ये दोस्तों, अब ये सील्ड है, ये जो चीज है ये सील्ड है, और ये इसके अंदर एक बारीक सा ऐसे पेपर आ जाने, ये कितनी एक मोटी होती है, कुछ भी नहीं होती है, तो वो एक सील भी आ गई है और इसको पकड़ भी लेगी, दोबारा खुलने नहीं देगी, ये हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। और ये स्क्रू इतना जल्दी नहीं खुलता है, अगर किसी को वहम है तो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी इस तरह नहीं खुलता है। तो फुली टाइट कर दिया इसको, मजीद इसको देखते हैं इसको टाइट करने के लिए। फुली टाइट है, अभी ये फुली टाइट हो गया। अब इसके ऊपर हमने सील लगानी है। सील लगाने का तरीका कौन सा है भाईजान, मैंने पहले भी बताया था कि आप अच्छी सी सील लें, ये देखें लोकल है और ये अच्छी सी है, ये आसानी से लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये लग गई है। आप सील कितनी खूबसूरत लग गई है, देखें, इससे सांस लेते हैं थोड़ी सी, ये नहीं आ रही कहीं से भी, इसके लीकेज का अंदेशा नहीं है और इसके खुलने का भी अंदेशा नहीं है। अब इसको उतारने का तरीका यह है कि आप यहाँ से पकड़ें, इसको उतार लें, उतार कर आपने कौन सी लगानी है, अच्छे वाली सील। अच्छे वाली सील लगाने के लिए आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगी, तब जाकर लगेगी। और थोड़ा बहुत ऑयल लगा लें, ऑयल लगाते हैं यार इसको हल्का सा अंदर की तरफ से। ऑयल का फायदा भी है और नुकसान भी, चढ़ी हुई भी स्लिप हो जाएगी, एक दफे चढ़ाने के बाद भी स्लिप हो सकती है, लेकिन ऑयल का फायदा यह है कि यह महफूज तरीके से चढ़ेगी। हाँ,